प्लास्टिक के सामान और प्लास्टिक का थैला पर्यावरण के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। प्लास्टिक से बने सामान और थैले में प्रतिबंध लगाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने दूषित पर्यावरण में जान डालने का काम किया है। प्रदेश से प्लास्टिक के प्रयोग के रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को छापेमारी कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इसी के तहत गोरखपुर में नगर निगम की एक टीम ने शनिवार को शास्त्री चौराहा, अम्बेडकर चौराहा, गोलघर चौराहा, विजय चौराहा, टाउन हॉल सहित लगभग दर्जनों प्रमुख स्थानों पर स्थित दुकानों और ठेलों पर छापेमारी की। छापेमारी में शामिल संयुक्त नगर आयुक्त सुमित कुमार और नगर स्वास्थ्य अधिकारी मुकेश रस्तोगी ने दुकानों पर प्लास्टिक के थैले की छानबीन कर दुकानों को उचित दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिन दुकानों या ठेलों पर प्लास्टिक के थैले पाए गए उन पर कार्रवाई की गई। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए संयुक्त नगर आयुक्त सुमित कुमार ने कहा, पॉलिथीन विरोधी अभियान है जो पॉलिथीन बैंड हो गई है मार्केट में और सब जगह दुकानों पे जो कैरी बैग हैं ले जाते हैं या रखते हैं या भंडार करते हैं उनको बैंड कर दिया गया है। उन पर हैवी जुर्माना लगाया जा रहा है और जो लोग पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और हैवी पेनल्टी की जाएगी कि दोबारा वो ना रखें। एक दर्जन दुकानों पर हमने छापा मारा है और करीब 5,000 के आसपास जुर्माना भी वसूल किया हमने और कई लोगों को समझाया भी जा रहा है, जागरूकता भी फैलाई जा रही है कि आगे से ऐसा ना करें नहीं तो मुकदमे की कार्रवाई मजबूर होना पड़ेगा फिर उनको। सर ये तो सड़क है, ठीक है जी, गली मोहल्ले में तमाम ऐसी दुकानें हैं जहाँ घरेलू से अभी भी चल रहा है। गली मोहल्लों पे भी हम पहुँच रहे हैं, धीरे धीरे पहुँच रहे हैं लेकिन अभी मेन मेन रोडों को लिया है हमने। अभी गली मोहल्लों पे हम मजिस्ट्रेट के साथ बैठ के हैवी छापा मारेंगे। वहाँ पे जो थोक विक्रेता है इसके उन पे हमारी विशेष नज़र है, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। जो पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं? उनके खिलाफ पहले बताया ना कि पहला दौर चल रहा है इसलिए हम अभी जुर्माने की कार्रवाई कर रहे हैं, सेकेंड में फिर हम मुकदमे की कार्रवाई करेंगे, फिर जेल भेजने की जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी।